नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। इस दौरान प्रश्नकाल में संबंधित मंत्री सदस्यों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। इस बीच सीएम योगी ने भी सदन के अंदर अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया है। इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। जहां तक आप जैसे माननीय सदस्यों का यह कहना कि कोई भर्ती नहीं हुई है या अव्यवस्था है, मुझे लगता है आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से संपन्न हुई है और नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा, जो पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती थी, मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आए। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में, यानी परीक्षा से लेकर परिणाम तक 29 दिन में आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में। जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना अवैध वसूली के सीधे गरीब पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, वहीं कानपुर देहात जिला प्रशासन भी गरीबों को दिए जाने वाली सरकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार मुक्त लाभ देने की बात करते हुए नजर आता है। लेकिन कानपुर देहात में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होती दिखाई दे रही और ना ही भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग पा रही है, बल्कि गरीबों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं पर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव जमकर वसूली करते हुए नजर आते हैं। इस बार जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जनपद के टारगेट आए हैं, इस बार हमने ये इंश्योर किया है कि पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। इसका जो सत्यापन है, हमने 2 बार ब्लॉक स्तर से किया है और अभी 1 बार तहसील स्तर से भी किया गया है, तो 3 बार जांच भी हो चुकी है। इसके अलावा जो जितने भी हमारे पास पात्र व्यक्तियों की सूची है, ये हमने विकास भवन में भी जो समाज कल्याण विभाग के पास में जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लगवाया है। आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपात्र मिले तो हमारे संज्ञान में ले आइए। और जो बुलंदशहर से खबर है, बताते चले कि स्कूल संचालक पर कक्षा 10 के छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। दरअसल छात्र के शरीर पर कई जगह पिटाई के निशान मिले हैं, जिसे देखते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधर आजमगढ़ में स्कूली छात्रा की मौत के बाद मैनेजमेंट और प्रिंसिपल पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में जनपद के सभी प्राइवेट स्कूल आज बंद रखे गए। दरअसल आज यानी कि 8 अगस्त को सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखे गए। हालांकि इस दौरान टीचर और स्कूल स्टाफ स्कूल में नजर आए। आजमगढ़ में हुई घटना के बाद ये फैसला लिया गया था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सभी स्कूल के स्टाफ सौहार्द और एकजुटता दिखाते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए नजर आए। रायबरेली से खबर है, बताते चले कि एक अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है जिसका उपचार जारी है। बता दें कि यह पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसनगंज गाँव के पास का है। देखा कि हमारे गांव तो रुके, हम के किनारे का बस सरकारी बस,
तो सरकारी बस पकड़ेगी कि नहीं जी? सरकारी बस मिली या नहीं? नहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ बरामद हुआ, तो वहीं महिला का शव मिलने से गांव भर में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। बता दें कि पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के शिवपुर मजरे गोपालपुर गांव का है। हालांकि पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर सरेनी थाना क्षेत्र के सिंधौर तारा गांव में बने वृहद गौशाला में सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम होने के बाद भी गौशाला के कर्मचारी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। दरअसल गौवंशों की चारे और भूसे से मौत ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि गांव का प्रधान शैलेंद्र यादव अपनी जेब भरने के चक्कर में सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहा है। कि गौशाला में जितने जानवर हैं ये गौशाला से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ये कर्मचारियों की लापरवाही है और हमारे लोगों को खेत चढ़ जाते हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी गर्मी में हम लोगों ने मिलके गांव वाले सब मिलके गौशाला के अंदर सब जानवर जमा किए थे। समस्या यह है हमारे लोग के खेत जितने जानवर चरते हैं ये सब गौशाला के हैं और ये जब हम लोग बड़ी मशक्कत से बंद करके लाते हैं जानवर तो ये लोग छोड़ देते हैं जितने इनके कर्मचारी हैं प्रधान के। तो बच्चे लाल ने गाय उतरवा लिया और कहा कि हमको पैसा दे दो, तो हमने 500 रुपया उनको दे दिया। मांग रहे थे ज़्यादा तो और हमारे पास पैसे नहीं थे तो कहें कि हमको तीन। हापुड़ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 मोबाइल, 4 ATM कार्ड, लैपटॉप, नकदी रसीद, चेकबुक आदि और एक लग्जरी कार बरामद कर ली है। हमने एक गिरोह अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऐप के तहत लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करते थे। ये अपना प्रचार प्रसार FB यानी फेसबुक के माध्यम से करते थे और जो लोग इन्हें फोन करते थे उसके माध्यम से ये दिखाते थे कि हम आपको लोन देंगे और उसकी कुछ प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो कि 2,500 से 3,500 हुआ करती थी और कई बार लोगों को और फंसाने के लिए लोन के इंश्योरेंस के बारे में भी बताया करते थे जिसकी फीस है 8,000 से 10,000 रुपए। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर एक युवक का शव बरामद हुआ है। दरअसल कमरे से बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर लिया है। वहीं अब पुलिस ने शव को बारीकी से जांच कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 463.2 करोड़ रुपयों से वाराणसी के 3 रेलवे स्टेशन बनारस, वाराणसी सिटी और काशी स्टेशन के पुनर्विकास कामों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से वर्चुअली अमृत भारत स्टेशन योजना की लॉन्चिंग करते हुए नजर आए। 350 करोड़ रुपये से काशी स्टेशन, 53.33 करोड़ रुपयों से बनारस स्टेशन और 59.87 करोड़ रुपयों से वाराणसी सिटी स्टेशन का पुनर्विकास होगा। ये स्टेशन मॉडर्न होंगे, हर अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर यात्रियों को मिलेंगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में अनिल राजभर भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर रेल मंत्रालय में सलाहकार नामित होने के बाद शिशिर सिंह पीएम मोदी की भारतीय रेल से संबंधित और राष्ट्र को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में उत्तर रेलवे अंतर्गत वाराणसी जनपद में करीब 350 करोड़ रुपयों से काशी स्टेशन की होने वाली रिमॉडलिंग के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालजी चौधरी और ADRM वाराणसी ने की थी।
वहीं इस कार्यक्रम के बाद प्रतियोगिता में सफल बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान चलाकर प्रदेश में सभी बच्चों को साक्षर बनाने के लिए जागरूक कर रही, किताबों से लेकर ड्रेस तक बच्चों को सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। बावजूद इसके कुछ बच्चों के अभिभावक स्कूल में अपनी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आ रहे। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने स्कूल में घुसकर कुछ लोगों पर मारपीट और स्कूल में रखे दस्तावेजों को फाड़ने का आरोप लगाया है। और जब सचिन पर वो डंडे मार रहे थे, मैं बचाने गई तो वो गाली गलौज करके बोल रहे थे। अब सर भी बचा रहे थे लेकिन वो सुनने वाले किसी के नहीं थे जी। वो फोटो वोटो खींच के ले गए हैं और कह गए हैं कि आगे कार्रवाई की जाए। और आज जैसे कि विद्यालय सुबह को 8 बजे से खुल गया था, बच्चे उपस्थित हुए, सबकी अटेंडेंस हुई। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 बच्चे हैं, प्रिंस और अमन, दोनों भाई हैं जो जुगनू, उनके पिताजी का नाम जुगनू है। इस समय DBT के माध्यम से शासन के द्वारा प्रत्येक अभिभावक के खाते में 1200 रुपये भेजे गए हैं। सर क्या मामला हो, क्या घटना हुई आपके साथ? सर 2 तारीख में बच्चे आए थे, अमन और प्रिंस, वो जो है DBT का हमारे लोगों के सभी का अभिभावक के खाते में पैसा आ रहा 1200 रुपये। हमने वो बच्चे जूते पहन कर नहीं आए थे, बस्ता भी नहीं था। हमने उनसे कहा कि बेटा अपने पापा से कहो कि आप जूते दिलवाएं और बैग भी अपना बैग वगैरह लो, क्योंकि पैसे सबके खाते में आ गए हैं। तो इसी बात को लेकर के हमने उन्हें उनके माँ बाप को बुलाने के लिए घर भेजा। 2 तारीख से आज तक बच्चे वो विद्यालय नहीं आए, बस्ते उनके स्कूल में ही रखे हुए थे बच्चे जो है। अब जो आज बच्चे जब आए तो हमने थोड़ा उनसे पूछा, बेटा कम से कम आपको स्कूल तो आना चाहिए था, अगर माँ बाप मम्मी पापा ने मना कर दिया आते स्कूल। 12 किलो सोने के सिक्के जिनका मूल्य मात्र 13 लाख रुपए, कोई भी सुनकर इतना अपना घर द्वार बेच कर खरीदने को तैयार हो जाएगा। और यही हुआ राजस्थान के एक बाशिंदे के साथ, जिसे एक हींग बेचने वाले शातिर ठग ने 12 किलो सोने के सिक्के 13 लाख रुपए में दिलवाने के नाम पर ठगी की। हालांकि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। 29/7/2023 को एक वादी नरेंद्र चौहान, जो माधवपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, और इन्होंने लिखित तहरीर सूचना दी कि एक व्यक्ति जो हींग का व्यापार करता है, फेरी लगाता है इनके घर के पास, उससे उनका संपर्क हुआ। इन्होंने बताया कि औरैया में एक पंडित जी के आसपास गढ़ा हुआ सोना मिला है। उन्होंने बताया कि ये सोना 12 किलो सोना 13 लाख रुपए में देने की बात बताई, जिसपे 29 तारीख को ये सोना लेने के लिए पैसे लेकर आए। और पंडित जी और ये व्यक्ति जिसने अपना नाम गोपाल बताया था, ये लोग वादी से मिले और वादी को बताया कि मैं अभी सोना। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात ट्रक ने इको गाड़ी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान टक्कर लगने से इको गाड़ी पलटकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई। बता दें कि इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। ये रात लगभग 1:15 बजे की घटना है। एक इको गाड़ी थी, इको गाड़ी में एक ट्रक ने जो है टक्कर मारी है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति घायल था, जिसको CHC। हाँ, ये रात में अलीगढ़ से अनूप शहर के रास्ते से नोएडा की तरफ एक इको वाहन जा रहा था। ये लोग अलीगढ़ से चले हुए थे। रास्ते में डिबाई थाना अंतर्गत दानपुर के पास में एक अज्ञात वाहन द्वारा इस गाड़ी में टक्कर लग जाती, जिसकी वजह से गाड़ी खंती में पलट जाती है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिलती है। हमारे पुलिसकर्मी मौके पर जाते हैं, सबको अस्पताल ले आते हैं, लेकिन ज़्यादा चोटिल होने की वजह से उसमें से 5 लोगों में से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। उधर फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र से 6 अगस्त को घर से 4 बच्चों के लापता होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस टीमों का गठन कर पुलिस ने मुखबिर के आधार पर बच्चों को अलीगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया है।
थाना सिकोहाबाद SHO को आज लगभग 4 बजे सूचना मिली कि कस्बा सिकोहाबाद के स्वामीनगर से 4 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 10 साल 14 साल के दो और एक 15 साल का बच्चा था, ये चारों घर से सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं और इनका कोई अता पता नहीं है। सूचना के बाद तत्काल हम लोगों ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चारों तरफ हमने टीम लगाई और चूंकि बच्चे पूरे कस्बे में ढूंढे जा चुके थे तो यहाँ पर उनके होने की कोई संभावना थी। उसके बाद हम लोगों ने टीम सारे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड्स पे हम लोगों ने टीम लगाई और हम लोग को एक क्लू मिला कि ये दिल्ली की तरफ गए हैं। हम लोगों ने दिल्ली के जो इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी की योगी सरकार को एक बार फिर से घेरा है और मुरादाबाद की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। मुरादाबाद जो कांड हुआ था, आज सरकार कोई भी रिपोर्ट पेश करे लेकिन मुरादाबाद कांड में जितने भी लोग देखिए आज वो सत्ता में है, कोई भी रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं, हम जानते हैं। मुरादाबाद का कटघर थाना परिसर एक शादी के मंडप में तब्दील नजर आया। दरअसल एक प्रेमी जोड़े का निकाह पुलिस की मौजूदगी में काजी ने पूरे रस्मों रिवाज के साथ करवाया। हालांकि दूल्हा दुल्हन शादी के लिबास में नहीं थे लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से आए लोगों की गवाही में आखिरकार निकाह पढ़वाया गया और दोनों तरफ से निकाहनामे पर दस्तखत भी हुए। मामला था गुड्डू नाम का लड़का था, जामा मस्जिद का, जामा मस्जिद चामुंडा वाली गली, गुड्डू नाम था, पापा का नाम नसीम ढलैया है। वो 5 साल से मेरे रिलेशन में था, मतलब रिलेशन में होने के बाद में कुछ पैसे थे मेरे, उसने अपने कारोबार करा, कारोबार करके फिर मैंने उससे शादी को कहा तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके खिलाफ़ मैंने एक तहरीर दी कटघर थाने में, तो वहाँ से जैसे तैसे करके पुलिस ने साथ दिया मेरा, निकाह करवाया। अब निकाह पे थाने में इसके घर वाले मुझसे चढ़ाई ले रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और मैं अलग रहना चाहती हूँ। लड़का वो अपने घर चला गया निकाह करके, मैं अलग रहना चाहती हूँ, मैं उस वहाँ नहीं जाना चाहती। निकाह कहाँ पर हुआ है? कटघर थाने में। जी आप कहाँ हो? मैं आज़ाद नगर। तो मामला था इधर आगरा में पार्षद और सफाई नायक के बीच हुआ विवाद गर्मा गया है और सफाई कर्मचारियों की यूनियन की सभा में सफाई कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। वहीं यूनियन के नेताओं ने पार्षद की गिरफ्तारी की मांग भी की है, साथ ही ये ऐलान भी किया है कि सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल विजयनगर के पार्षद ऋषभ गुप्ता और सफाई नायक विकास दीप के बीच 2 दिन पहले विवाद हुआ था। सफाई कर्मियों के हंगामे के बाद पार्षद के खिलाफ FIR की मांग भी की गई थी, FIR दर्ज हुई। हालांकि कर्मचारियों ने 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि पार्षद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे कार्य का बहिष्कार करेंगे। वहीं जब अल्टीमेटम के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई तो यूनियन ने निर्णय लिया कि सभी सफाई कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर देंगे। जैसा कि हमारे सुपरवाइजर के साथ एक सफाई कर्मचारी है, वो भी सुपरवाइजर के साथ एक पार्षद के द्वारा मारपीट जैसी अभद्र घटना की गई, उसके विरोध में आज संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज आम बैठक की गई नगर निगम परिसर में, जिसमें निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण आगरा शहर के अंदर कल से काम बंद हड़ताल होगी और जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय जिल्लोराम दादाजी के नेतृत्व में होगा। सभी कर्मचारी संगठन आह्वान कर चुके हैं कि सभी लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे और जब तक उस पार्षद को सजा नहीं हो जाती सभी लोग काम बंद। आज जो बैठक हुई है उस बैठक में एक निर्णय लिया गया है, एक संयुक्त मोर्चा जितने भी अपने के नगर निगम के जो भी संगठन है वो संयुक्त रूप से एक हुए हैं और संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। उनके संयोजक हमारे आदरणीय जिल्लोराम वाल्मीकि जी संयोजक चुने गए हैं और सभी संयुक्त मोर्चा का ये फैसला हुआ उनके निर्देश पर कि कल। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति के नाम पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में 3 ऐसे लोगों की पदोन्नति कर दी गई जो उस पद के योग्य नहीं थे, जबकि सीनियर इंजीनियर सहित 3 सीनियर
अधिकारी थे। माननीय मुख्यमंत्री, आप 18 साल से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आपकी पार्टी और आप लगातार संस्कृति पढ़ाने की बात करते हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्कृति है, सबका सम्मान करें और ऐसी कोई भाषा नहीं बोलें कि आपकी संस्कृति इसी प्रकार अब हो गई है। आपसे उम्र में करीब 20 वर्ष बड़े माननीय कमलनाथ जी, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं, आपकी उम्र। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।